लड़कियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों के असाइम खाक में मिला दिए। लांडी मानसहरा कॉलोनी में वैन पर खुदकुश धमाका, खुदकुश बमबार समेत दो दहशतगर्द हलाक। गाड़ी पर चार गैर मुल्की सवार थे, तमाम महफूज रहे। हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर रुकते ही धमाका हो गया। धमाके के बाद शरपसंदों ने फायरिंग की। पुलिस अहलकार की जानिब से दहशतगर्दों को निशाना बनाने की फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हो गई। पंचकोर का रिहायशी निकला। दहशतगर्द को आखिरी फोन कयूमाबाद के इलाके से किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट जारी कर दी। हमले में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दम तोड़ गया। वजीर आला सिंह ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मुल्कियों की हिफाजत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का इजलास। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इकदामात का जायजा। वफाकी वज़ीर दाखला का कच्चे के इलाके में मुश्तरक ऑपरेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा मुश्तरक ऑपरेशन से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। कराची में गैर मुल्कियों पर हमला, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई को सराहा। आसिफ सरतारी ने कहा कि शरपसंद अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। कौम मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ बोले कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन अमान खराब करने की हर मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अजायम खाक में मिला दिए। नापाक अजायम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में लाकर वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर कानून ने कौमी असेंबली में हुकूमती पॉलिसी बयान कर दी। आज़म नसीर तारण ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा शरपसंदों से उनकी ज़ुबान में ही बात होगी। रोज़ हमारे जवान जानों से जा रहे हैं। पीटी हुकूमत ने दहशतगर्दों को वापस मुल्क में आबाद किया। बलोचिस्तान हुकूमत नौशकी हमले में मुलविस मुलज़िमान को सजा देने के लिए इकदाम कर रही है। इलाके में दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। ये चीजें टेकअप होनी चाहिए जनाब स्पीकर। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं आप बाउंड हैं कि आपने इस आईन और इस कानून की पासदारी करनी है। मुझे तो हैरत इस बात की है कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का, वो सबके सामने सुनने को तैयार नहीं है। शायद तरबियत ऐसी है जनाब स्पीकर। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असेंबली में एहतजाज। वज़रा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब ने इजहार ख्याल में कहा कि मुल्क में इस वक्त आइनी और कानूनी बहरान है। स्पीकर पर लाजिम है कि आइन और कानून की पासदारी करें, आइन के खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। जवाब देने के लिए वफाकी वज़ीर कानून ने मोर्चा संभाला। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि हैरत है, कानून का सबक कहाँ से पढ़ाया जा रहा। इन लोगों ने कानून और पार्लिमानी रवायात का जो हाल किया वो सबके सामने है। वज़ीर इत्तला अता तारण बोले कि बयानात बदलना एक पार्टी का हमेशा वतीरा रहा। अडियाला जेल से ऑर्डर आता है दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस से खींचातानी नजर आ रही है। शाइस्तगी चैलेंज की गई तो यहां कोई माइका लाल बात नहीं कर सकेगा। The address of the president to both houses assembled together, Jamshed Ahmed Dasti and Muhammad Iqbal Khan, MNAs, used abusive language
approached the dais of the speaker in a threatening manner, Jamshed Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the first service of the assembly for remainder of the session. All those in favor at may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. सदर के खिताब के दौरान गैर मुहसिब रवैया अपनाने पर स्पीकर का एक्शन, जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान को मौजूदा सेशन से मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन अरकान ने मुअत्तली पर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। पीपी अरकान कादिर पटेल और रफीउल्लाह को मुअत्तल करने का मुतालबा। हिस्ब इख्तलाफ के अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, मौकिफ अपनाया। हुकूमती अरकान ने बद तहजीबी की इब्तदा की। आपने अधूरा एक्शन लिया जो काबिल कबूल नहीं। सरदार अया सादिक ने मामले का जायजा लेने के लिए वक्त मांग लिया। आर्मी चीफ से सऊदी माविन वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई तआवुन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेहमान की पाकिस्तान सऊदी दिफाई तआवुन के पांचवें इजलास में भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वजीर ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और असरात पर तबादला ख्याल किया गया। बलोचिस्तान काबीना के 14 वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान, अरकान असम्बली की शिरकत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 6-6 अरकान काबीना का हिस्सा। नून लीग के अब्दुलरहमान कैथरान, सलीम खोसा, आसिम और दीगर ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद और बख्त काकड़, सादिक इमरानी ने हल्फ उठाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, काबीना की तश्कील सियासी जमातों की मुशावरत के बायस ताखीर से हुई। ज़िम्न इंतखाबात का मार्का, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म होगी। लाहौर में 5 नशस्तों पर कड़े मुकाबले होंगे। 1 कौमी और 4 सूबाई हल्कों में जोर का जोड़ होगा। आखिरी दिन सियासी जमातों ने पावर शो के फैसले कर लिए। सियासी जमातों के उम्मीदवार वोटर्स को मनाने में मसरूफ। PTI आज NA 119 में रैली निकालेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुकर्रा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। £190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जज नासिर जावेद राणा का बानी पीटीए बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। जज ने कहा 22 अप्रैल से पहले निजी अस्पताल से चेकअप कराया जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट हुक्म पर अमल करके आइंदा समाअत से पहले अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएं। जज के हुक्म पर अदालत में निसफ अजाफी दीवारों का कुछ हिस्सा इंतजामिया ने हटा दिया। आइंदा समाअत पर 6 गवाह तलब। बलोचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी। ईरानी सरहद से सैलाबी रैलात अफतान में दाखिल। पानी के बायस पाक ईरान सरहदी गेट पर सरगर्मियां मुअत्तल। कोयटा शहर और अतराफ में काली घटाएं बरस पड़ी। ज़ियारत, चमन और पशीन में बारिश में तवक्के। कल अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, मस्तोंग और कोहलू में बादल बरसेंगे। सिब्बी, डेरा बुकटी, लोरालाई और हरनाई में आंधी और गरज चमक मुतवक्के। गवादर में पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका इमदादी सरगर्मियां जारी। नकासी आप के अमल को मुतासर इलाकों में फैलाकर तेज किया जाएगा। बालाकोट और गिरदोनवा में बादलों की नॉन स्टॉप इनिंग्स। मूसलाधार बारिश से कई मकामात पर नदी नालों में तुगयानी। नारान, बाबूसर और मुल्हिका पहाड़ों पर बर्फबारी से नजारे निखर गए। बालाकोट के पहाड़ों पर बर्फबारी से अप्रैल में दिसंबर वाली सर्दी आ गई। चित्राल में फिर से बारिश और बर्फबारी शुरू। निजाम जिंदगी मुतासर। गर्म चश्मा रोड पर दस्तूर बंद। पिशावर में बारिश जारी। उधर पंजाब में भी बादल छलक पड़े। मुल्तान और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी। पंजाब में 23 अप्रैल से बारिशों का नया सिलसिला जारी होगा
और 26 से 29 अप्रैल तक बलाई पंजाब में तूफानी बारिशें मुतवक्के। डीआई खान में शहीद दो कस्टम अहलकारों की पेशावर में नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आईजी, चीफ कलेक्टर कस्टम्स और दीगर की शिरकत। गुलाम अली ने शहदा के जसद खाकी पर गुलदस्ते रखे। कस्टम्स के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा के जसद खाकी को सलामी पेश की। शहीद इफ्तिखार आलम और शहाब अली के जसद खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। प्लास्टिक बैग मरहलावार खत्म करने के लिए 5 जून की डेडलाइन। पंजाब में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर 6 माह तक कैद, 1,00,000 रुपए जुर्माना होगा। डीजी महकमा माहौलियात पंजाब कहते हैं कि जिला इंतजामिया और तहफ्फुज़ माहौलियात के अफसर मिलकर प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स मुकदमात का इंदराज कर सकेंगे। इसराइल का ईरान के शहर इस्फहान में मिसाइल हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस्फहान एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान के कई शहरों में फजाई सर्विस मुअत्तल। ईरान ने सहूनी मिसाइल गिरने की तरदीद कर दी। कहा इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने फजा में 3 ड्रॉन्स तबाह किए। मुख्तलिफ शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। तेहरान एयरपोर्ट पर परवाजों की मनसूखी के ऐलान, लोगों को घर जाने की हिदायत। इसराइल का ईरान में धमाकों पर रद्देअमल देने से गुरेज। फौजी हुकाम ने कहा मामले पर फिलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। अमरीका ने फलस्तीन की अक्वामे मुतहदा की रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद मंजूर ना हुई। काउंसिल के 12 अरकान ने रुकनियत देने की हिमायत की। अमरीका की मुखालफत। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। फलस्तीनी सदर ने अमरीका के वीटो करने के इकदाम की मजम्मत की। फलस्तीन को अक्वामे मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का वक्त आ गया। 75 साल से जुल्म जबर का शिकार फलस्तीन के साथ तारीखी इंसाफ होगा। पाकिस्तान ने दो टोक मौकिफ दे दिया। फलस्तीन को अक्वामे मुत्तहिदा रुकनियत की करारदाद वीटो करना अफसोसनाक करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का मकसद सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार करना था। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से अहम फैसला मुतवक्के। सहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइली क़यादत पर गाज़ा में बैन-अल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इसराइली फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं।